Now next one, how to accessing array elements using pointers. इस concept को discuss करने के लिए just मैंने two examples provide किए हैं. First was just basic example provide किए, जिस केस में just test करेंगे comparison between array name a and pointer variable p. Clear? Second case में just display क्या कर रहा है, displaying array element using pointer. मैं last printf के through array के सारे element display कर रहा है using pointers. Clear? इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैंने बिगिनिंग सेशन में डिस्कस किया था. एरे क्या है, एरे इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पॉइंटर्स. इस जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे. फर्स्ट वन, फर्स्ट एग्जांपल के केस में जस्ट मैंने सिंपली एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया. एरे ए इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग एरे ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, देयर आर 5 एलिमेंट्स. से आपके लिए जस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, ओनली कॉन्सेप्ट नॉट अ वैल्यू. इसलिए मैंने एरे के केस में कोई वैल्यू साइन नहीं किया. इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा, एज अ ए. सपोज दैट अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 102 104 106 एंड 108. क्लियर? नेक्स्ट इनिशियल वैल्यूज क्या है, गार्बेज. फर्स्ट केस, देन सेकंड केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया, डिक्लेरेशन फॉर पॉइंटर वेरिएबल पी. पी की बात करें, पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल. और पॉइंटर का साइज क्या रहता है, ऑलवेज 2 बाइट्स. तो इस केस में भी पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 2 बाइट्स. पॉइंटर वेरिएबल एज पी, एज में कॉल इसका एड्रेस क्या, समथिंग 98 और सम अदर एड्रेस लाइक दैट. नेक्स्ट वन, थर्ड केस में आसान क्या किया, पी इक्वल्स टू ए. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, ए मीन्स एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या है, इसमें 100, इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, ऑल्सो 100. देन ये 100 कॉपी किसमें हो जाए, इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल पी. देन पी की बात करें तो पी क्या है, जस्ट इंटीरियर पॉइंटर. इस पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे, अगर आप कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर यूज करते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होते, ओनली 1 बाइट. सिमिलरली इंटीरियर पॉइंटर कितने बाइट्स पॉइंट करेगा, 2 बाइट्स फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स. अगर 100 के जस्ट बाद में बात करें तो 100 ऑनवर्ड्स कई सारे प्लेसेस अवेलेबल, लेकिन इस पॉइंटर के थ्रू एग्जैक्टली कितने बाइट्स पॉइंट होंगे, ओनली बिगिनिंग 2 बाइट्स. तो इस केस में जस्ट एक और लोकेशन रेफर होगा एज स्टार पी, लेकिन स्टार पी कितने बाइट्स का नेम होगा, ओनली 2 बाइट्स. मीन्स इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का अदर नेम क्या है, ऑल्सो स्टार पी. क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद प्रिंट एप के अंदर मैंने पास क्या किया, ए. तो ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. सेम है डिस्प्ले कराया पी. पी के केस में भी बात करें तो पी के अंदर भी क्या स्टोर है, ऑल्सो 100, इसलिए पी के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा, ऑल्सो 100. मीन्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए एंड पी दोनों की मीनिंग कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम. ओनली इन दोनों केस में डिफरेंस क्या है, एरे नेम्स के साथ कभी भी ना ही असाइनमेंट कराना पॉसिबल होता है, और एरे नेम में ना ही कभी इंक्रीमेंट करना पॉसिबल. लेकिन पॉइंटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो पॉइंटर में असाइनमेंट भी पॉसिबल हुआ, प्लस पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना भी पॉसिबल. इस केस में दोनों ही ऑपरेशन कैसे हैं, इनवैलिड. पॉइंटर के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कैसे हैं, वैलिड ऑपरेशन. बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी कैसे, सेम. सेम प्रॉपर्टी मीन्स फर्स्ट इस केस में जस्ट रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, इस केस में प्रिंट एप के थ्रू 100 स्पेस 100. जस्ट डिफरेंस क्लियर होगा आपको इन केस ऑफ नेक्स्ट प्रिंट एप. इस नेक्स्ट प्रिंट एप में डिस्प्ले करा है ए प्लस वन. ए प्लस वन मीन्स 100 प्लस वन. करंटली ये क्या है, एरे नेम. एरे नेम मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है, 2 बाइट्स. इसलिए इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, जस्ट 2 बाइट्स. सेकेंड केस में पी के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा, पी का वैल्यू क्या है, ऑल्सो 100. देन अगेन 100 प्लस 1. तो पी किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीरियर पॉइंटर. और जब भी इंटीरियर पॉइंटर में 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो अगेन इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से. इस केस में मीन्स दोनों ही केस में इन दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग कैसा है, एग्जैक्टली सेम. तो इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 102 102. मीन्स इस डिस्कशन से फाइनली क्लियर क्या हो रहा है, अगर आप यूज करते ए ऑफ आई और ए ऑफ आई का इक्विवेलेंट केस क्या है, पी ऑफ आई. रीजन, क्योंकि ए के प्लेस पर भी रिप्लेस क्या हुआ, इस केस में 100, एंड पी के प्लेस पर भी रिप्लेस क्या हुआ, ऑल्सो पी के प्लेस पर क्या स्टोर होगा, जस्ट पी में स्टोर क्या है, 100. तो पी के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा, ऑल्सो 100. मीन्स इस कंपेरिजन के अकॉर्डिंग ए ऑफ आई एग्जैक्टली किसके इक्विवेलेंट है, पी ऑफ आई. तो मीन्स फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है, जिस टाइप से जिस सिंटेक्सिस को फॉलो करके एरे के थ्रू एलिमेंट एक्सेस करते, सेम सिंटेक्स फॉलो करके पॉइंटर पी के थ्रू भी एरे के एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है. मीन्स फाइनली फर्स्ट एग्जांपल के रिस्पेक्ट में अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा,
गिवन दैट वन. क्लियर. नेक्स्ट वन जस्ट मैं इसके जस्ट बाद डिस्कस कर रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन मैंने इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है और इंटीजर एरे के अंदर अगेन एलिमेंट्स कितने फाउंड हो रहे हैं, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स. अगेन फिर से मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ इसके. इसमें ए क्या है, एरे से एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, 5. तो सबसे पहले अगेन 5 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कराएंगे. अगर इस केस में मैं सेम एड्रेस यूज करूंगा या 100 102, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100 102 104 106 एंड 108, इसे कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है ए. देन फर्स्ट एलिमेंट में सन क्या हो रहा है 10 20 30 40 50, तो सन क्या हो इसके इसमें 10 20 30 40 एंड 50. देन इस लोकेशन का करेंटली नेम क्या है A0 A1, लाइक दैट. लेकिन इसका एड्रेस क्या है 100, तो 100 के रिस्पेक्ट में इसका अदर नेम क्या क्रिएट होगा, *102 **102 **108 **106 **108. क्लियर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिक्लेरेशन. नेक्स्ट वन सेकेंड केस. सेकेंड केस में जस्ट प्रोवाइड क्या हुआ, पॉइंटर डिक्लेरेशन. तो पॉइंटर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेंगे पॉइंटर वेरिएबल पी. पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 2 बाइट्स. पी का एड्रेस क्या समथिंग 98. देन पी के केस में आसान क्या हुआ, ए के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100. तो 100 अगेन किस में कॉपी होगा, पॉइंटर वेरिएबल पी. तो पी में जैसे ही इस प्लेस पर 100 आसान होगा, पी इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. फाइनली इस केस में एक और लोकेशन क्या क्रिएट होगा, *P. इसे पी किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स. लेकिन इसके थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है, पी का टाइप क्या है इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर के थ्रू ओनली 2 बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल, इसलिए फर्स्ट 2 बाइट्स का नेम क्या हुआ *P. मींस *P सिमिलर टू A0. प्रीवियस सेशन में इस प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग अगर इस एरे का नेम ये है, तो इस एलिमेंट का अदर नेम क्या है A0 A1 A2 A3 एंड A4. सिमिलरली जैसे इस पॉइंटर वेरिएबल पी में आपने इसे एरे का एड्रेस रन किया, मैंने जस्ट डिस्कस किया था ए के प्लेस पर भी क्या आने वाला 100, तो पी के प्लेस पर क्या आएगा ऑल्सो 100. मीन जहाँ अभी आप A(i) राइट करें, A(i) के प्लेस पर P(i) राइट डाउन करना पॉसिबल, क्योंकि दोनों के मीनिंग कैसे हैं इक्विवेलेंट. तो पी के रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का अदर नेम क्या क्रिएट होगा P0 P1 P2 P3 एंड P4. जस्ट एक कन्वर्जन पॉसिबल है. इसका मेन रीजन क्या है कि आपको A(i) को *A+i में कन्वर्ट करना पॉसिबल, सिमिलरली *A+i को A(i) में कन्वर्ट करना पॉसिबल, मीन्स पॉइंटर टू एरे एंड एरे टू पॉइंटर कन्वर्जन पॉसिबल है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रिंटएफ से डिस्प्ले क्या करा है वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 A4. तो सभी प्लेसेस पर फाइनली वैल्यूज क्या पास हो रहा है, इस केस में सिंपली फर्स्ट प्रिंटएफ से डिस्प्ले क्या जाएगा 10 20 30 40 50. ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोवाइड किया. लेकिन सॉल्व क्या करें इस केस में, नेक्स्ट प्रिंट एफ. नेक्स्ट प्रिंट एफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है. इस केस में जस्ट फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या करा है P0. तो P0 के केस में जस्ट रिप्लेस क्या करोगे इस केस में, इसको प्रोसेस करेंगे एज अ पॉइंटर एक्सप्रेशन. उसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होगा, मीन्स A(i) का इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होता है *A+i, और A के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ P, एंड I के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 0. तो इसका मीनिंग क्या हुआ *P+0. P के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे P का वैल्यू क्या है 100 प्लस 0. 100 में 0 ऐड करा होता है, इसका एडिशन क्या आएगा जस्ट 100, तो इसका मीनिंग क्या हुआ *100. और *100 लोकेशन में वैल्यू क्या स्टोर है 10. देन जैसे इस एड्रेस के लिए अप्लाई करते हैं, स्टार इमीडिएटली रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस विच इज 10. तो इस केस में फाइनली रिप्लेस क्या हो जाएगा 10. फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू एज 10, मीन्स P0 एग्जैक्टली सेम एज A0. सिमिलरली नेक्स्ट केस, सेकेंड केस में क्या P1 को अगेन सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस केस में P(1). अगेन इसको सेम मैनर में रिजॉल्व करेंगे, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा *P+1 एंड P में फाइनली क्या स्टोर हुआ है
100, तो p के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस कराएं, 100, 100 प्लस 1, 100 क्या है इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर में 1 से इंक्रीमेंट कराओ, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, स्टार 102 में वैल्यू का स्टोर अगेन, स्टार 102 लोकेशन में वैल्यू क्या है 20, तो फाइनली इस प्लेस पर फाइनल रिप्लेसमेंट क्या होगा 20, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा 20, सेम एज 30, 40 एंड 50 मीन्स रिमेनिंग केस आपके लिए इजीली सेम माइनस में सॉल्व करना पॉसिबल है, दोनों केस में रिजल्ट्स कैसे डिस्प्ले होंगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, लेकिन फर्स्ट केस में एरे के एलिमेंट डायरेक्टली एरे नेम का यूज करके डिस्प्ले किया, सेकेंड केस में एरे एलिमेंट डिस्प्ले करा बाय यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल्स, क्लियर, मीन्स इस टाइप से किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में एरे का एड्रेस रन करा के पॉइंटर के थ्रू एरे के ऑल एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल बाय यूजिंग पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस।